स्थान ही है जहाँ पर कड़कड़ में भगवान का वास होता है। फिलहाल ब्रज कोष की जो 84 कोष की यात्रा है ब्रज की, उसको जो है शुरुआत किया गया है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं तमाम जो श्रद्धालु हैं वो इस पद यात्रा में शामिल हैं। निश्चित तौर पर यहाँ पर जो भक्ति का रस है वो बह रहा है और निश्चित तौर पर ये जो इस तरीके का माहौल है वो देखते ही बन रहा है। फिलहाल यहाँ पे तमाम श्रद्धालु हमारे साथ मौजूद हैं। हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इस पदयात्रा का क्या मकसद है। इस वक्त हमारे साथ ब्रज कोकिला मौजूद हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये जो पदयात्रा निकाली जा रही है तो ये भक्तों का जो सैलाब आप देख रहे हैं वो किस तरीके से आगे बढ़ रहा है। जी, कहाँ से इस यात्रा को निकाला जा रहा है? बटेश्वर से यात्रा निकाली गई है। मेरा नाम ब्रज कोकिला नहीं, मुझे टाइटल मेरे गुरुजी से मिला है। मेरा नाम है साध्वी कुसुम शर्मा। कुसुम शर्मा जी, ये बताइए इस तरीके की जो भक्ति धारा बह रही है इसमें कितना आनंद मिलता है भक्तों को जो है? ये तो परम आनंद है, भगवान का नाम ही तो नाम कीर्तन ही तो वास्तविक आनंद है। ये जो आपकी यात्रा है कहाँ से शुरू हुई और कहाँ पे जा रही है, ये जो है अंतिम वो होगा? ये बटेश्वर से शुरू हुई है 1 फरवरी से और फिर ब्रज 84 कोस की परिक्रमा पूर्ण करके वृंदावन में 6 मार्च को। इस तरह की यात्रा में आप कब से शामिल हो रहे हैं? मैं इसमें 9 सालों से शामिल, वैसे 13वीं साल है। यहाँ पे तमाम पट्टिकाएं थी आपकी इस रैली में, उनसे क्या मैसेज देने की कोशिश की जा रही है समाज को जो है किस तरीके से लोगों को भक्तिभाव में रहना चाहिए? हमारा मूल उद्देश्य सरकार को दोषी ठहराना नहीं है, हमारा कहना है, उद्देश्य है और इन पट्टियों के माध्यम से, इन बैनर्स के माध्यम से हम संसार को, संसार के लोगों को ये कहना चाहते हैं कि गलतियां पहले हम करते हैं और सरकार को उसमें दोषी ठहराते हैं। हम अपने गाय के अगर सेवा संवर्धन करें, उसको केवल दूध देने वाला पशु ना समझें और उसमें 33 कोटि देवी देवता निवास करते हैं, अगर उसकी हम माँ समझ करके सेवा कर लें, अपने घर में 1-2 भैंस पालते हैं, 1 गाय भी पाल लें, तो आज ये गाय इतनी बुरी तरह से यहाँ यातनाएं ना भोग रही। ये पद यात्रा चल रही है, क्या इसमें लोगों को थकान नहीं होती या फिर भक्ति भाव में वो लगातार बढ़े जा रहे हैं? भक्ति भाव में होने के कारण उनको थकान व्याप्ति नहीं है, थकान तो सबको होती है, शरीर सबका है, परंतु तपस्या करने करके ही तो कुछ प्राप्त होता है, तपस्या करना बहुत जरूरी है। हमारे साथ आचार्य जी मौजूद हैं, हम उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इस पदयात्रा को जो निकाला जा रहा है वो क्यों निकाला जा रहा है? ये जन जागरण यात्रा निकलती है, पहली बार ये यात्रा निकलती है। हमारे गाय की रक्षा हो, यमुना की रक्षा हो, धर्म की रक्षा हो और नदी फैले, ये राम मंदिर का मसला अटका पड़ा है, जिस तरह के जो हिंदू के मसले हैं, सामाजिक बुराइयाँ हैं, इन सबके लिए हम आपके संत समाज को क्या लगता है कि क्योंकि हिंदू की हिंदुओं की सरकार इस वक्त है, मोदी सरकार है, योगी सरकार है, क्या आपको लगता है 2019 से पहले कुछ हो पाएगा राम मंदिर? अभी तक तो बना नहीं है और अगर अभी बनना शुरू नहीं हुआ तो इस पदयात्रा में शामिल होने के लिए हमें बहुत अत्यंत खुशी हो रही है। किस तरीके से यात्रा निकाली जा रही, कहाँ तक जाएगी यात्रा? वृंदावन तक जाएगी। हम तो हमने स्वागत किया और गांव के सभी लोगों ने स्वागत किया। संत समाज की सेवा करने के बाद आपको दिल में क्या लगता है, किस तरीके की खुशी होती है? हमको बहुत खुशी, अत्यंत खुशी हो रही है, इसका अर्थ नहीं कर सकते। व्यक्ति बहुत निकल रही है।